वेलकम टू माय चैनल रागनी सिलाई डिजाइनर। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ अस्तर वाली सूट की कटिंग, वह भी मोटी लेडी के लिए। कितनी भी मोटी लेडी होगी आप उसे कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कटिंग करके आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कढ़ाई वाले कपड़े को पहले कटिंग नहीं करेंगे, पहले मैं इस अस्तर को कटिंग करेंगे, उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग भी अस्तर वाले सूट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को कपड़े को ऐसे चार फोल्ड में कर लेनी है। हम भी कर लेते हैं इसे चार फोल्ड में। ऐसे हम सूट की चौड़ाई लेंगे, यानी कि चेस्ट की चौड़ाई। तो मेरी चेस्ट की चौड़ाई है दोस्तों, फिनिशिंग चौड़ाई है मेरी 12 इंच का। तो हम इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ 13.5 इंच का मार्क लगा लेती हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा में ले लेती हूँ और इसे मैं बराबर में कर लेती हूँ। अब दोस्तों हमको यहाँ से गले की कटिंग करनी है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं 2 इंच का गला और यहाँ से मेरा शोल्डर होगा 3.5 इंच का और आर्म होल मैं लूंगी 6 इंच। इसे बॉक्स बना लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से गले की लंबाई लूंगी। दोस्तों मैं यहाँ से गले की कटिंग अभी नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक निशान लगा के यहाँ तक मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मेरे गले में डिजाइन है इसीलिए मैं यहाँ डिजाइन वाला कटिंग करूँगी और बैक वाला पार्ट में गोल में कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ छोड़ देती हूँ इसी तरह और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेते हैं सूट की। तो आपको जहाँ तक ये बंद वाला भाग है वहाँ से थोड़ी सी ऐसे गहरी में ले लेनी है, उसके बाद ये जो मेरा सीधा है इसे सीधा में कटिंग कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब इसकी कटिंग करके बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों पार्ट तो मैंने एक ही बार में निकाल ली हूँ। अब हमको बैक वाला पार्ट और मैं कटिंग करनी है। तो दोस्तों हम यहां से गाला ले लेंगे 7 इंच का। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरी बैक वाला पार्ट है। चलिए दोस्तों, मैं इस कढ़ाई वाले कपड़े की कटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरी कढ़ाई वाले सूट में ऐसे गला ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसीलिए मैंने इसमें गोल कटिंग नहीं की गले की, क्योंकि मेरी गला ये डिजाइन में है।
हम इस पे रख के और उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं आप लोग के स्टिचिंग में बता दूँगी कि इसकी गला में कैसे कटिंग करूँगी। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसको बराबर में करते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऐसे बराबर में कपड़े को रख लेनी है। उसके बाद मैं इस अस्तर को ऐसे रख लूँगी। उसके बाद जो मेरी ये बाकी वाला कपड़ा एक्स्ट्रा में होगी उसे मैं कट कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये मेरी कटिंग अस्तर वाली कपड़े की हो चुकी है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अस्तर वाली सूट की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अस्तर की कटिंग करनी होती है, उसके बाद में कपड़े की कटिंग, ये फैब्रिक कपड़े की कटिंग करते हैं। तो अब दोस्तों, हम बैक वाला पार्ट की कटिंग करेंगे। एक ऐसे दो फोल्ड में कर लेनी है। उसके बाद जो मैंने ये अस्तर की कटिंग की थी, इसको इस पे ऐसे बराबर करते हुए इस पे रख लेनी है। देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे बराबर करते हुए इस कपड़े को ऊपर ये अस्तर रख ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो दोस्तों, हमको ये गाला वाला कटिंग थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के मार्जिन के लिए, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। देखिए दोस्तों, ये मैंने कटिंग कर ली हूँ कितना आसान तरीके से। तो मेरा बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों पार्ट कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, यही से मैंने बाजू की भी कटिंग कर ली हूँ।